अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो रात बारिश के बाद से ना बहुत ज़्यादा जो है ना मौसम ठंडा हो गया था, हमको अंदर जाना पड़ा कमरे में। अभी ना सारे के सारे सो रहे हैं और मुझे लगी है भूख, और घर का कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है बारिश की वजह से। तो ये कुछ केक पड़े थे तो मैंने कहा चलो कि पहले क्यों ना मैं इसको नाश्ता कर लूँ। अभी भी मैं थोड़ी सी ना तबीयत भी आज डल रही है, मौसम चेंज हो रहा है ना उसकी वजह से। तो मैंने कहा चलो पहले मैं हल्का फुल्का सा कुछ नाश्ता कर लूँ, और हल्के फुल्के में मुझे यही नज़र आए तो मैं बच्चों के ये केक लेके बैठ गई हूँ। अब मैं करूँगी नाश्ता और उसके बाद जो है ना फिर सफाई वगैरह करने के बाद ही आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह। जो है ना व्लॉग आज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज जो है ना मौसम शुक्र अल्लाह का बहुत बेहतर है। रात जो है ना बारिश ने हमें बड़ा खज्जल किया, उठ के ना हमें अंदर जाना पड़ा कमरे में, अपना सारा सामान बोरिया बिस्तर लपेट लपाट के। तो चलें फिर मैं ये खा लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हस्बैंड जो है वो काम पे जा चुके हैं मेरे, और नाश्ता वगैरह बच्चों ने कर लिया है। ये सब बर्तन रखे हुए नीचे ही, अब जो है ना मैंने करना है, उसके बाद ये सब कुछ उठाना है। और आज जो है हम कमरे में सोए थे क्योंकि बारिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा हुई थी, सारी रात तकरीबन बारिश हुई थी। तो हम जो है वो कमरे में सोए थे, मच्छरदानी जो है ना हम बेड पर ले आए थे, हमने बेड पर रख ली थी क्योंकि मच्छर जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं इधर, तो हमने इसलिए मच्छरदानी जो है इधर बेड पर ही बिछा ली थी। जिससे ये हुआ कि हम सुकून से जो हम सो गए, हमने खिड़कियाँ खोल दी थी कमरे की, इधर पंखा रख लिया था, ठंडी हवा आ रही थी, तो बड़ी अच्छी से रात गुजर गई है। अब बस नाश्ता करते हैं, और सहन के जो हालात हैं ना मैं बता नहीं सकती। ऊपर से जो कुछ बारिश का पानी थोड़ा बहुत रह गया था उधर, वहाँ से बच्चों ने साइकिल चला चला के ना सहन का कोई हाल नहीं छोड़ा हुआ, और वैसे भी बहुत गंदा है। लेकिन सुबह उठने के बाद ना सबसे पहले जो है ना मैंने अपना ये रूम जो था ना वो क्लियर कर दिया था, कि कम से कम एक रूम जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो कोई पता नहीं होता किसी भी टाइम कोई आ जाता है, और गाँव वगैरह में तो आपको पता है सुबह सुबह भी लोग आ जाते हैंगे, तो इसलिए भी अब ये सारा फलारा जो है ना वो समेट रहे हैं। तो अब मैं पहले करूँगी नाश्ता, उसके बाद जो है ना सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आप सुबह सुबह क्या करने गए ऊपर हैं? आपको पता है कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, आज सुबह सुबह आपके काम शुरू हो गए। चलो नीचे आओ, नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, नीचे आओ। चलो सैन आप भी नीचे आओ, अभी आप सो के उठे हो, डायरेक्ट ऊपर चले गए हो ना। टाइम देखो अभी 6:30 बज रहे हैं, चलो आ जाओ। देखो बादल बने हुए, दोबारा बारिश भी हो सकती हैगी। चलो मैं आटा गूंद रही हूँ, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, आप नीचे उतर जाओ सारे। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बारिश के बाद कोई हालात नहीं है सहन का आगे पीछे। हाँ जी, क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है, मैं नाश्ता बना रही हूँ बस, भूख लगी है। अच्छा मैं नाश्ता बना रही हूँ, मैंने मोटर चला दी है, ये पानी भरता रहेगा, वरना लाइट चली गई या फिर बारिश हो गई तो फिर पानी रह जाएगा। चलो नीचे हुसैन, आप नीचे आ रहे हो नहीं आ रहे हो? मैंने मार रहे हैं आपको, मैं आ जाऊं? कितने प्यारे फ्रेश हो गए हैं सुबह सुबह बारिश के बाद। ये कुछ पीले पीले हैं, इनको मैं बाद में हटाऊंगी बेटा। तो हसन जो अपनी साइकिल चलाने में मसरूफ़ है, अरमिश जो है सुबह सुबह इनकी साइकिलिंग शुरू हो चुकी है। तो मैं जो ना वो अब नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, बाकी जो है ना बाद में देखी जाएगी क्या करना है। और बारिश का पानी इधर भी देखा, बारिश के पानी ने कोई हाल नहीं छोड़ा, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर बारिश का पानी नहीं आता। बट लेट्स, अच्छा ये तो कितने बड़े बड़े हो गए होंगे दरवाजे के, इस साइड वाले भी कितने बड़े बड़े हो गए होंगे, ये देखें कितने बड़े बड़े हो गए ये वाले भी। खैर मैं नाश्ता बना लूँ, बहुत टाइम हो गया नाश्ते के बाद फिर आप। अच्छा जी, तो काम जो है ना हमारे सारे ख़त्म हो चुके हैं, और बच्चे जो हैं आज अपने फ्रेंड के घर पे गए हैं क्योंकि आज है संडे, और उसकी उनकी जो फ्रेंड है वो स्कूल जाती है संडे को, उसका होता है ऑफ, तो वो वहाँ चले गए। मैंने इनको पानी वगैरह दे दिया है, कुछ गंदे कपड़े निकाल लिए हैं जो कि मुझे धोने हैं, और आज हस्बैंड के कपड़े जो है ना सुबह काम वाले गंदे थे तो वो थोड़ा सा ज़रा गुस्सा करके निकले आएंगे, बट वो चले गए हैं। और काम वगैरह जो है सारा हो चुका हैगा। अब मैं अपने लिए बना रही थी नूडल्स, क्योंकि मुझे जो है ना सारा कुछ काम करते करते तकरीबन 1.5 घंटे लग चुका है, और मुझे लग गई है भूख। अभी जो है ना हमारी मोहल्ले की एक लेडी थी, वो हमसे मिलने आई थी, और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि माशाल्लाह से वो जा रही हैं उमरा पे कल, तो वो पूरे मोहल्ले में ना सबके घर पे गई हैं, सबसे मिली हैं, तो वो मेरे पास आई थी मिलने के लिए। और मैंने उनको स्पेशली कहा था कि आप उधर जाओ तो उधर हमारा भी सलाम देना,
और अल्लाह पाक के आगे हमारे लिए भी दुआ करना, रोज़े रसूल के आगे जाके हमारा नाम लेके दुआ करना। और तो उन्होंने कहा मैं लाजमी ऐसा करूँगी, तो अल्लाह पाक जो है ना हमें भी जल्दी से बुलाए। पहले इतनी तलब कभी महसूस नहीं हुई, लेकिन अब जो है ना, अब वो रोज़ा रसूल देखने की तलब जो है ना बहुत बढ़ती जा रही है कि कब जो है ना अल्लाह पाक मंजूरी दे और हम भागते हुए जो है ना रोज़ा रसूल पे जाएं। अल्लाह पाक सबको अपने घर बुलाए, अल्लाह पाक सबको इतनी तौफीक दे कि उसके घर जा सके। तो चलो मिलते हैं फिर ये नूडल्स खाने के बाद। जी तो नूडल्स हमारे पक चुके हैं, अब मैं इसको लेके जा रही हूँ अंदर और मैंने इसे फुल स्पाइसी बनाया है। इसमें मैंने काली मिर्च, ऊपर से लाल मिर्च, साथ वो टेस्ट मेकर जो साथ में होता है वो सब कुछ जो है ना मिर्ची मैंने तुन तुन के डाल दी क्योंकि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा ना तीखा खाने का दिल कर रहा था, तो इसलिए जो है ना मैंने अपने लिए तीखा बनाया है। बच्चे तो हैं नहीं, उन्होंने खाना नहीं है फिलहाल, तो जब वो उन्होंने बोला उन्हें खाना है तो मैं उन्हें फिर ना फीका सा बना दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ही हूँ तो इसलिए जो है ना मैंने अपने लिए मिर्चों वाले बना दिए हैं। पानी ले जाते हैं अंदर और अंदर जाके ना सुकून से खाते हैं बैठ के, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जना फुल स्पाइसी नूडल्स। मैंने जल्दी आ गए थे पर उन्होंने ना हमें उठाया नहीं आएगा, बस दरवाज़ा खोला वो आके दूसरे कमरे में आके लेट गए, उन्होंने हमें उठाया नहीं, खाना खाकर आए थे तो इसलिए हम भी सोए रहे ढीठ बन के। तो अभी उठी, अभी उठ के ना मैंने ये चने की दाल और ये लौकी जो है ना चढ़ा दी उबलने के लिए, बस थोड़ा सा ये और पानी ड्राई हो जाए और मैश हो जाए तो मैं इसको उतार दूँगी। साथ ही मैंने मसाला काट के रख दिया, इधर आटा गूंध दिया आएगा, तो बस अब एक साइड पे जो है ना चूल्हे के वो हम पका लेंगे अपनी हांडी और एक साइड पे रोटी पका लेंगे। और अभी वैसे भी सिर्फ 5:30 हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हो, बस का पानी ड्राई हो जाए थोड़ी सी ये मैश कर लेंगे ना, फिर बहुत अच्छी पक जाएगी। आज चने की दाल जो है ना मैंने ज़्यादा देर जो है ना सोक नहीं की है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 आवर जो है ना मैंने इसको सोक किया है, तो दाल को देख के लग रहा है अच्छी तरह से गल गई है। अब इस बार जो है ना दाल सख्त नहीं रहेगी, पिछली दफ़ा जब मैंने पकाया था ना तो बहुत ज़्यादा देर जो है ना मैं दाल सोक कर ली थी तो जिसकी वजह से दाल गली नहीं थी। तो चलें फिर मिलते हैं पकाने के बाद। अच्छा जी, खाना जो है ना हमारा वो तकरीबन तैयार हो गया, बस अब मैं इसको जो है ना भून रही थी अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। इसमें हम धनिया वगैरह डाल देंगे और रोटियाँ जो है मेरी सारी पक चुकी हैंगी, तो अब जो है ना इसे रख देंगे हॉट पॉट में ताकि ये ठंडी ना हो जाए। तो तवा जो अभी गर्म है और अभी ये सारे बर्तन जो है धोने वाले हैंगे, अब इन सब बर्तनों को धो लेती हूँ। हाथ के हाथ ही बच्चे जो है ना वो बाहर खेल रहे हैं, तोड़ा फोड़ी में लगे हुए हैं बच्चे, वो खेलने में मसरूफ़ हैं। अपना हवा चल रही है पर नीचे नहीं, ऊपर ऊपर छत पे चल रही, ज़्यादा नीचे हवा नहीं आ रही ना। क्या हुआ है? पैसे जमा हुए हैं आपके पास? ठीक है, आपने क्या लेना है? घड़ी लेनी है। ओके, तो ये आ गया है मेरी चिड़ियों का शॉपर जो कि अभी हस्बैंड मुझे दे के बाहर निकल गए हैं। और इसमें है कुछ कुरकुरे हैं, इस तरह के कुकीज़ हैं, बड़े मज़े के होते हैं, इस तरह के हैं। और ये बड़े पापड़ है, कोई भी शॉप पे नई चीज़ आती है ना मेरे हस्बैंड लेकर आते, कहते हैं ज़ेबा ट्राई करो कैसी है, फिर जब मैं बताती हूँ ना ये चीज़ अच्छी है फिर वो नेक्स्ट टाइम वही लेकर आते हैं। बच्चों के सामने मेरी चीज़ नहीं लाते क्योंकि फिर बच्चे नहीं छोड़ते हैं, तो बच्चों को ला के पहले दे देते हैं, उसके बाद जब उन्होंने बाहर जाना होता है फिर वो मेरे लिए ला देते हैं कि चलो जब तक मैं वापस आऊँगा इसका जो है ना मुँह चलता रहेगा तो इसलिए। और बच्चे जो है माशाल्लाह से वो तीनों के तीनों जो है ना सो रहे हैं, इधर जो है रमिश सो रही है और इधर जो हसन सो रहा है और इधर ये माशाल्लाह तीनों के तीनों सो गए। और रात हो चुकी है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है, तो यहीं पर अपने व्लॉग का करते हैं एंड। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा चैनल अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।